व्हाट्सएप वर्जन 24.0 इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो मल्टी कर इंटेल या एएमडी आप प्रोसेसर यूज़ करते हैं कर रहे हैं तो 2 GHz या उससे ज़्यादा फास्टर प्रोसेसर होना चाहिए विथ SSE 4.2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 64-bit प्रोसेसर होना चाहिए। इसके बाद हम अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपके पास मिनिमम 1.5 GB होना चाहिए विथ डायरेक्ट एक्स 12 सपोर्ट होना चाहिए, अदरवाइज 4K डिस्प्ले के लिए आप 4 GB ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हार्ड डिस्क स्पेस की। हार्ड डिस्क स्पेस कम से कम आपके 4 GB अवेलेबल होना चाहिए हार्ड डिस्क में स्पेस, अदरवाइज इससे ज़्यादा हो तो मोर बेटर है, तो मिनिमम आपको 4 GB हार्ड डिस्क में स्पेस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट कनेक्शन की, तो इंटरनेट कनेक्शन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। तो ये सारी जानकारी आपको एडोब के ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप वेबसाइट में डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो भी एडोब की तरफ से दिया गया है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मे बी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये मॉनिटर स्क्रीन रिजोल्यूशंस ये सारी चीज़ें डिटेल्स दिया गया है और यहाँ पे आप आराम से चेक कर सकते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे, मैंने जो वीडियो बनाया था ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था, तो आप अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो मैक के लिए यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो यहाँ पे जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, कितनी ग्राफिक्स चाहिए, कितना रैम चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।